सयूरी सयूरी क्या हुआ? तू ठीक है ना? It's okay. हम आ गए हैं, कुछ नहीं होगा सयूरी। काना। सयूरी। सुमदी को बचा लो, मेरी चिंता मत करो, प्लीज जाओ काना, प्लीज। ना कुछ। सयूरी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भाभी। कुसुम, तुम जाओ यहाँ से। कुसुम जी, प्लीज संभालिए इसे। संभालिए। ये भाभी। मैं भी कुछ भी नहीं होगा काना। सयूरी को तुम्हें ज्यादा क्यों थे? इसको हम संभालेंगे, तुम जाओ। चलो चलो। सयूरी घबराओ मत, हम आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो करो। कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा दर्द। थोड़ी हिम्मत रखिए भाभी, सब ठीक होगा। कृष्णा जी प्लीज हेल्प कीजिए ना, सयूरी और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। कुछ नहीं होगा सयूरी, डरना मत, हम हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें ना बेबी को, सब ठीक हो जाएगा। ओके, घबराना मत। अभी कुछ नहीं होगा आपको, बस थोड़ी हिम्मत और रखिए प्लीज। आप दोनों रुकिए यहाँ पे, पेशेंट को अंदर लेके चलिए पहले प्लीज। डॉक्टर वो सर, आप दोनों रुकिए पहले, लेट मी चेक हर फर्स्ट। कान्हा जी प्लीज सब ठीक कर दीजिएगा, सब ठीक कर देना। हिम्मत रखो ना कुल, हमें अंदर जाके बाकी सबको भी बताना है। हमसे नहीं होगा, दीदी ऑलरेडी इतनी परेशान है, भाभी की पता नहीं तबीयत कैसी है, नया टेंशन, हम नहीं बता पाएंगे यश, हमें बताना पड़ेगा, उनका भी ये सब जानना बहुत जरूरी है। अरे कोई छोटी बात नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें उन्हें बताना पड़ेगा। नकुल देखो, ऐसे कमजोर हुए तो नहीं चलेगा, इस वक्त तुम्हारे भाई भाभी और बाकी सबको तुम्हारी जरूरत है, सो प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। ओके, शांत हो जाइए आप, हॉस्पिटल में अभी ऑल इज वेल, बस आपको थोड़े आराम की जरूरत है। माँ का फोन आ रहा है, पर हम क्या कहेंगे उनसे? वो तो पहले ही दिन से भाभी की प्रेगनेंसी को लेकर इतनी डरी घबराई हुई है। नहीं, जब तक डॉक्टर आके कुछ नहीं कहते हम भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, पर फोन पे बात तो कर ही लेते हैं, नहीं तो वो और परेशान हो जाएंगी। हेलो सयूरी बेटा, सयूरी बेटा तुम लोग? माँ हम कुसुम बोल रहे हैं। कुसुम, कुसुम तो ठीक तो है ना बेटा, कहाँ हो तुम लोग? और तुम सयूरी का फोन तुम्हारे पास क्यों? सयूरी ठीक है ना? उसे फोन दे, हमारी बात करा उससे, कहाँ है वो? माँ वो हम भाभी। कुसुम, कुसुम तू क्यों रो रही है बेटा? हाँ सब ठीक है ना? कुसुम सयूरी ठीक है ना? उसे बात करा हमारी, वो ठीक है ना? बच्चा ठीक है ना? माँ भाभी हॉस्पिटल
अस्पताल? अस्पताल में? नहीं किसी और का नहीं तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, उसका तो ख्याल रखो। पूरा ख्याल है बच्चे का, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी कुसुम दी है। सायोरी, मिशन फास्ट, कम डाउन, कम डाउन। डॉक्टर अवस्थी को बुलाना ही होगा तुरंत। सॉरी, हमारी वजह से हो रहा है ये सब। भाभी तो हमारी हेल्प करना चाहती थी, आज उसकी वजह से ही तो उनकी जान पर बनाई है। I'm so sorry. हम बहुत ही मनहूस हैं, बहुत बदकिस्मत, और इतना बुरा नसीब है ना हमारा कि उसका असर अब तुम सब पर हो रहा है। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। भाभी ने हमेशा हमारी मदद की है और हम हमेशा सबके चिंता का कारण बनते आए हैं। खाना सॉरी, हमें प्लीज माफ कर देना। आज हमारी वजह से तुम्हारा बच्चा खतरे में है और भाभी की जान भी। आई एम सॉरी। काना, सयूरी ठीक है ना? पता नहीं, डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं। क्या हुआ नकुल? भाई बोल ना, कुछ बताना है आपको। एक बुरी खबर है। ऋषि, क्या हुआ? उसे भाग गया क्या? नहीं, भागा नहीं, पर क्या? पर मर क्या? क्या मर गया? ठीक तो है ना बेटा? कुछ हुआ नहीं ना तुम्हें? और ऋषि, ये सब कैसे हो गया? वो तो पुलिस स्टेशन से भाग गया था ना, फिर कैसे? अरे ऋषि कैसे मरा? किसने मारा उसे? मैम वो सारी डिटेल्स हम आपको बाद में बता देंगे, संयम रखिए।
कहा ना, चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा तेरे बच्चे को और सयूरी को भी। और मुझे लगता है कि हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, वैसे सिचुएशन बहुत स्ट्रेस्ड है। और मैम यू डोंट वरी, सयूरी को कुछ नहीं होगा। की फैमिली को इन्फॉर्म करके आती हूँ। डॉक्टर, सयूरी सयूरी कैसी है, ठीक है ना? आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। और बच्चा, बच्चा भी ठीक है ना? आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश की पर इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो चुकी थी, थोड़ी भी और देर होती तो शायद हम आपके वाइफ को भी नहीं बचा पाते। भगवान, कमलन मिसेस चौधरी, अभी आप ठीक हैं, बस आपको थोड़े आराम की जरूरत है, प्लीज। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज 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 डॉक्टर साहब, प्लीज। संभालिए माँ। सयूरी को पता है क्या? नहीं, हमें लगता है कि आपको बताना चाहिए ताकि आप उसे अच्छे से संभाल सके। आप चाहे तो पेशेंट से मिल भी सकते हैं, उन्हें होश आ भी गया होगा बहनों। सयूरी मां बनने वाली है। आपको जाके भाभी को ये बात बतानी होगी, ये बात सुन के वो टूट जाएंगी, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा, पर आप ही हो जो उन्हें संभाल सकते, ये बात उन्हें बतानी तो है ही ना। क्या कर दिया है आपने हमारे बच्चों के साथ कृष्णा जी? ऐसा दुख क्यों देखना पड़ रहा है उन्हें? शक्ति देना उन्हें भगवान, कि बच्चे अपने दुख से लड़ सके। आप ठीक हो ना बेबी? नाराज होगे ना मम्मा से? मम्मा ने ढंग से आपका ख्याल ही नहीं रखा, लेकिन अब मम्मा आपसे प्रॉमिस करती है कि आप मम्मा की फर्स्ट प्रायोरिटी हो। मम्मा ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिससे आपको जरा सी भी तकलीफ हो, बल्कि अपना आपका दोनों का बहुत ख्याल रखेगी, बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस। क्या बताएं हम उसे कृष्णा जी, और कैसे बताएं, हमसे नहीं होगा। हमें
हमें हिम्मत दीजिए कृष्णा जी कि हम सहयुरी को सच बता पाएं और उसे संभाल पाएं। आप आएंगे ना तो मम्मा से उनकी शिकायत लगा, बोलना मम्मा गंदी है और उनको खूब खूब सारा डांटे, ओके? लो, मम्मा को डांटने के नाम से पापा खुद आ गए। पापा आ गए ना, सब संभाल लेंगे। मम्मा को और आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सब ठीक हो जाएगा ना पापा? सयूरी काना, देख हमारा बेबी ना मुझसे नाराज हो गया है। गलती तो मेरी है ना, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था, इसलिए बात ही नहीं कर रहा है मुझसे। मैंने ना बहुत मनाने की कोशिश की उसको, लेकिन एक बात नहीं सुन रहा है। सॉरी भी बोला, प्रॉमिस भी किया, पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन गुस्से में ना बिल्कुल अपने पापा पे गया। एक बार गुस्सा चढ़ जाता ना तो तड़ता ही नहीं। तू देख ना सयूरी, हमारी बात सुन। तू पहले मेरी बात सुन, बेबी तेरी बात सुने, तू बेबी से बोल कि मम्मा से बात करें, ऐसा नहीं होता है। हमारी बात सुन ना। हाँ तो हमारा बेबी नहीं रहा। वही तो कह रही, हमारे बेबी नहीं रहा। क्या तू क्या बोल रहा है? ये सच है। चुप, तुझे कैसे पता कि सच क्या है? मैं फील कर सकती हूँ बेबी। किसी ने तो बोला है बाप, एक बाप अपने बच्चे के लिए से कभी बोला स्ट्रांग बेटी होगा ना। बेबी प्लीज हमारी बात, बेबी सुन लेगा उसका बुरा लगेगा ना। सही है हमारी बात। अरे हमारा बच्चा, मैं फील कर सकती हूँ, मेरे अंदर है, मैं फील कर सकती हूँ। मेरा बच्चा बिल्कुल मेरा बच्चा ठीक है ना। सही है मेरा बच्चा, और बोलेगा ना कभी पति के तक संभालो डॉक्टर। कहा था हमने अपना ख्याल रख बार बच्चा, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। तुम्हारा हमारा दुख क्या सयू के दुख से बड़ा है सरोज? क्यों बच्ची को दोष दे रही हो? ये जो कुछ भी हुआ उसके ना समझी या बात ना मानने की वजह से नहीं हुआ है। अरे वो बच्ची तो अपनी कोख में अपने बच्चे की जान को जोखिम में डाल के तुम्हारी बेटी को बचाने गई थी। इस वक्त उसका साथ दे, उसकी हिम्मत बने, इस दुख से उभरने में उसकी मदद करे। आप भी तो एक माँ हो दीदी, तो एक माँ का दुख कैसे समझ नहीं पा रही आप? आंटी दादी, हमें भी भाभी की बहुत चिंता हो रही है। अंदर क्या हो रहा होगा कुसुम, इसका कोई अंदाजा नहीं है हमें। डॉक्टर सयूरी ठीक है? चिंता की कोई बात नहीं है, शी इज ओके। ये गुस्सा और शॉक दोनों कहीं निकलना बहुत जरूरी था इनके लिए। आई होप शी विल बी फाइन आफ्टर दिस। मैंने नीम का इंजेक्शन दे दिया है और ड्रिप भी ऑलरेडी लगा हुआ है, अब ये सोएंगी कुछ देर। और उठने के बाद मिस्टर चौधरी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि ये फिजिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद इनके दिल और दिमाग पर ज्यादा असर हुआ है, तो ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए इन्हें इमोशनली सपोर्ट की जरूरत है। Oh.